आज वर्ल्ड कैंसर डे है। देश भर में कैंसर से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और इससे बचाव को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, जिसमें डॉक्टर आम लोगों से तंबाकू, सिगरेट, गुटखा जैसे हानिकारक पदार्थों के सेवन से दूर रहने की अपील करते हैं। इसके बावजूद भारत में कैंसर मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, इसको लेकर क्या कहते हैं भागलपुर के चिकित्सक, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है और हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में मुंह के कैंसर की बीमारियां, मुंह के कैंसर के मरीज रोज के हिसाब से काफी बढ़ रहे हैं। हमारे ओपीडी में रोज एक मरीज जरूर पहुंचता है जिसका मुंह में कैंसर रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट आदि पर सरकार का कड़ा नियंत्रण नहीं है। इस पर कोई कड़ा नियम कानून नहीं है, इसके सेल में कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बरता गया है। जिस तरह से शराब पर कड़ा नियम है, कड़ा कानून बनाया गया, उसी तरह से इस पे भी कड़ा नियम बनाना चाहिए और इसके सेल को रोकना चाहिए। खासकर युवा वर्ग में इसका चलन बढ़ते जा रहा है, इसको सरकार को इसको ध्यान देनी चाहिए। आम लोगों से ये अपील है कि भाई आप धूम्रपान, खैनी, गुटखा आदि के सेवन से दूर रहिए। अपने सोसाइटी में भी ये मैसेज दीजिए कि भाई इसका सेवन ना करें, और कोई आपके घर में इसका सेवन करे तो उस पर रोक लगाएं। आपके कोई पड़ोसी में कोई लोग हों, दोस्त हो जो ये इस आदत के शिकार, उनको बोलिए कि इससे दूर रहने के लिए और खुद को भी दूर रखें। ओरल कैंसर मेनली हैबिट के कारण होता है। आजकल की युवा पीढ़ी से लेके बुजुर्ग तक खैनी, गुटखा, धूम्रपान, सुपारी, पान पराग, इसका प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। इसके कारण ये ओरल कैंसर का खतरा बढ़ते जाता है। लेकिन अभी हम रिसेंट डेज में देख रहे हैं और पहले भी देखते थे, अभी बहुत कॉमन हम ये देख रहे हैं कि गांव के पेशेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, झोला छाप से दांत बनवाते हैं। वो जो निकालने लगाने वाला दांत होता है वो उसको फिक्स करवा लेते हैं। तो वो क्या करता है, जो एक्रिलिक और जो भी केमिकल से बनता है वो वहां पर जख्म पैदा कर देता है, और उसके साथ अगर कुछ एसोसिएटेड हैबिट है तो ये ओरल कैंसर को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। ये मैं रिसेंट देख रहा हूँ कि आरपीडी जो निकालने लगाने वाला दांत होता है उससे ओरल कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अगर वो फिक्स कर दिया गया है तो। आम लोगों से ये अपील होगी कि अगर आपको मुंह में कोई भी तरह का जख्म, लक्षण या कुछ भी वैसा दिखे तो इमीडिएट पढ़े लिखे डेंटिस्ट से संपर्क करें, ना कि झोला छाप डॉक्टर से। और दांत अगर बनवाते हैं तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से बनवाएं। कैंसर कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है अगर आप समय रहते चिकित्सक के पास जाते हैं। इसका इलाज हो सकता है। कैंसर के बचने के लिए हम सभी से अपील करेंगे कि आप गुटखा एवं तंबाकू का सेवन न करें। कैंसर से बचने के लिए हमारा सलाह यह है कि आप नियमित व्यायाम करें, धूम्रपान एवं नशीली पदार्थों से दूर रहें एवं नियमित जांच कराएं। आज भारत में मुख्य रूप से दो कैंसर बहुत कॉमन है, एक आपका मुख का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। मुख के कैंसर के जो भी रीजन है सभी लोगों को पता है, फिर भी हम खुलेआम इसका सेवन कर रहे हैं। सरकार ने शराबबंदी तो कर दिया, लेकिन आपका तंबाकू पर, इस पर रोकथाम के लिए कोई विशेष पहल नहीं की है। सबसे ज्यादा अभी मुख का कैंसर कॉमन है और उसका मुख्य कारण तंबाकू है, और तंबाकू का आए दिन सेवन लोग बेहिसाब ढंग से कर रहे हैं। छोटे बच्चे कर रहे हैं, बड़े तो कर ही रहे हैं। तो हम आज के दिन एटलीस्ट आपसे हम चाहेंगे कि आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक प्रॉमिस करें कि आज ही सबसे अच्छा दिन है प्रॉमिस करने के लिए, क्योंकि आज विश्व कैंसर दिवस है। तो आज ही आप ये प्रॉमिस करें कि हम आज से किसी भी तरह के नशा हम नहीं करेंगे, खास करके तंबाकू या पान पराग जो गुटखा है इसका उपयोग नहीं करेंगे। और यदि आपके आसपास कोई करता है तो उसको भी हम कोशिश करेंगे कि वो भी ना करें। इससे सबसे ज्यादा आपके लिए बेनिफिट क्या होगी कि आपके परिवार के लिए और आपके समाज में आपकी एक इज्जत होगी। और अगर आप जान रहे हैं कि इनको कैंसर है और इसका उपचार नहीं करा रहे हैं तो आप उन्हें सलाह दें कि उपचार कराएं, क्योंकि प्रारंभिक रूप से अगर उपचार आप कराते हैं तो निश्चित रूप से इसका इलाज संभव है। हॉस्पिटल में टीम बैठता है जो कि कैंसर का शुरुआती लक्षण के हम लोग जांच करते हैं। उसमें हम लोग महिलाओं का स्तन, यहाँ तक कि हम लोग उसका रक्तदानी का भी, मुंह का जांच करते हैं, और मुंह का जांच सभी मरीजों का होता है। उससे क्या होता है कि जो शुरुआती ही लक्षण जो कैंसर का होता है, हम लोग शुरुआत में ही उसको डिटेक्ट करके, यानी कि पहचान करके,
उनको हम लोग सलाह देते हैं, आगे उनको जो भी उनकी आदत है उनको छोड़ने के लिए उनको बताते हैं, और जिनको इलाज का जरूरत होता है उनको हम लोग मुजफ्फरपुर यानी कि होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल वहाँ भेजते हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि कम से कम पान, गुटखा, खैनी, तंबाकू, इस तरीके का नशीले पदार्थ यूज़ करना कम करें, ताकि उनका जीवन और ज़्यादा सुखमय और ज़्यादा दिन रहे।